जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में बहुत कम वक्त लेकर आए हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी ज़िंदगी में हर कोई कामयाब होना चाहता है, और कामयाब तो वही होगा जो सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कामों को करेगा और मेहनत करेगा। ईमानदारी कामयाब होने के लिए शर्त है। ईमानदारी कामयाबी की कुंजी है। ईमानदारी के बारे में हम बहुत सी बातें हमारे बड़ों से सुनते हैं। एक कहानी हमारे बड़े हमें अक्सर सुनाते थे कि एक लकड़हारा है, वो लकड़हारा अपने पेट पालने के लिए जंगल जाता है, लकड़ियों को काटता है और उन्हें बेचकर अपना पेट पालता है, रोजी रोटी कमाता है। एक दिन वो लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है, काम करता है, धूप का वक्त है, थकान हो जाती है, उसे पानी की प्यास लगती है, तो कुल्हाड़ी लेकर करीब की नदी पर जाता है और पानी पीने के लिए झुकता है तो उसके पास हाथ पर रखी हुई कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। लकड़हारा परेशान होता है, ये तो लेने के देने हो गए, जो मेरी काम की चीज़ थी वही गिर गई, अब मैं कैसे अपना काम करूँगा, कैसे पेट पालूंगा। वो परेशान नदी के पास बैठ जाता है। उसी वक्त तो पानी में हरकत होती है और पानी के अंदर से एक जलपरी निकलती है। जलपरी देखकर लकड़हारा परेशान हो जाता है, वो डर जाता है। जलपरी कहने लगती है कि डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, बताओ क्या हुआ। लकड़हारा उसे सारी बात बताता है। जलपरी कहती है, ठीक है मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लकड़हारा सोचता है कि ये जलपरी मेरी क्या मदद करेगी। जलपरी गायब हो जाती है। कुछ देर के बाद जलपरी वापस पानी से निकलती है। उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी होती है। सोने से चमकती हुई कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे की आंखें भी चमकने लगती है। जलपरी कहती है कि ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, ये तुम्हारी ही तो है। लकड़हारा बड़ा ईमानदार होता है, सच्चा होता है, वो कहने लगता है, नहीं नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो सीधी साधी लोहे की कुल्हाड़ी है, ये वापस लेकर जाओ, मुझे नहीं चाहिए। जलपरी उसकी बात सुनकर बड़ी मुतासर होती है, ताज्जुब करती है कि इतना ईमानदार शख्स। वापस पानी में जाती है। अब की बार जब जलपरी वापस आती है, उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी होती है। वो कहने लगती है, अब तो ये ले लो, ये तुम्हारी ही तो है। लकड़हारा कहता है, मैं तो कह दिया मेरी कुल्हाड़ी लोहे की है, मुझे सोने और चांदी की चीज़ों से कोई मतलब नहीं, जो मेरी चीज़ है मैं वही लूंगा। जलपरी सोचती है कि तो ईमानदार है, इसको मैं दो बार जांच लिया, इसका इम्तिहान ले लिया, चलो ठीक है मैं इसको वापस इसकी कुल्हाड़ी ला कर देती हूँ। जलपरी वापस पानी में जाती है। अब की बार आती है तो लोहे की कुल्हाड़ी सीधी साधी लकड़ी वाली लेकर आती है। अपनी कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा बहुत खुश होता है, कहने लगा, हाँ यही तो मेरी कुल्हाड़ी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जलपरी उसकी बातें सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ देर में अभी वापस आती हूँ। लकड़हारा सोचता है कि अब क्या हुआ, मुझे तो मेरी चीज़ मिल गई। कुछ देर के बाद जलपरी वापस आती है। उसके हाथ में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी होती है। वो कहने लगती है कि देखो तुम्हारे जैसे इंसान मैंने बहुत कम देखे, ये मेरी तरफ से एक तोहफा समझ कर रख लो। लकड़हारा मना करता है लेकिन जलपरी उसे देकर गायब हो जाती है। सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर लकड़हारा वापस घर आता है, सारी बात सुनाता है और उस दिन के बाद से लकड़हारे की ज़िंदगी बदल जाती है। तो प्यारे बच्चों, ईमानदारी इंसान को कामयाब करती है, चाहे जल्दी करे या देर से करे, ताखिर होती है लेकिन इंसान कामयाब ज़रूर होता है। ईमानदारी की ज़िंदगी इंसान को हमेशा हमेशा के लिए कामयाब करके छोड़ती है। तो ऐसी ईमानदारी के बारे में हमने बहुत सी बातें सुनी है। तो इसी तरह का एक वाकिया, एक कहानी, एक सबक आज हम अपनी उर्दू की किताब से सुनेंगे। सबक का नाम है हसन गंगू।